हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 प्लस एमसीक्यूज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ओके, सो आई एम हितेश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्वस, विदाउट द नर्वस सिस्टम वी कुड नॉट, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बिना हम क्या नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन ब्रीथ, वी कुडंट ब्रीथ, वी कुडंट थिंक, वी कुडंट वॉक और ऑल, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको आंसर इसका पता होगा, काफ़ी इजी है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे विदाउट द नर्वस सिस्टम। ना तो हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाएंगे, ना थिंकिंग, ना वॉकिंग। ओके, सो एमसीक्यू मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल ईजी लिया है, बिकॉज आने वाले एमसीक्यूज टफ करूँगा स्लोली स्लोली। स्टार्टिंग में ईजी, देन टफ होते जाएंगे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, वो वाला सिस्टम जो हमारी बॉडी में सारा कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लेकिन वो चीज क्या है जो पूरा कंट्रोल इसको कर रहा है। ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड सी नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर सी नर्वस सिस्टम। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी ये खा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, ओके, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? सब कुछ कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, और नर्वस सिस्टम में ये तो है नहीं सिर्फ ब्रेन ही है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन तो है नहीं, काफ़ी कुछ इसमें आएगा और वो सारा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, सो इसका राइट आंसर नर्वस सिस्टम, और आगे नर्वस सिस्टम के बारे में वो थोड़ा जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? ए ऑप्शन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, बी ब्रेन, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सी नर्व्स, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो ब्रेन में क्या क्या है इस डायग्राम की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गए यहाँ से। सो ये तो मिल गया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो क्रैनियल नर्व्स हैं, ठीक है, ये नर्व्स लिखे हैं ना, तो इसका आंसर तो ये, पहले तो ये जान लो, क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ओके, ब्रेन से निकलती हैं क्रैनियल नर्व्स, जहाँ ब्रेन यहाँ से क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, इंग्लिश में बुक में लिखा होगा आपके, क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये इसका आंसर था, ए वाला, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स नर्वस सिस्टम में आते हैं सारी। ओके, अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेन पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी में, और ये थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई है। फोर ब्रेन, सामने वाला ब्रेन, फोर हेड की साइड वाला, मिड ब्रेन, सेंटर वाला जो मिडल में होगा, एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन जो बैक साइड पे है हमारी, ठीक है, जैसे आप बैक पे टच करोगे अपने नेक पे, बैक नेक पे, तो वहाँ पे जो ब्रेन आ रहा है वो हाइंड ब्रेन है। ओके, फिर फोर ब्रेन, पहले मैं बता दूं कि जो मिड ब्रेन है ना, इसका फंक्शन क्या है? फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करना। ओके, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। आगे देख लेते हैं फोर ब्रेन किस में क्लासीफाई है। फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम और सेरेब्लम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, और ये क्या करेगा? हमारी जो एक्टिविटीज़ है लाइक थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, वो चीज़ कंट्रोल करेगा जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन है ना, ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग एट्सेट्रा। ओके, फिर आ गया फोर ब्रेन में दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारी बॉडी में? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। टेम्परेचर मीन्स हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और अगर इसको फारेनहाइट में करना हो तो 98.3
6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर, इतना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद आएंगे ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स का फंक्शन है स्मेल, जो हमें स्मेल आती है गंदी या अच्छी, गुड डिलीशियस फूड जो भी है उसकी स्मेल आ रही है, तो वो कंट्रोल करेगा ओल्फैक्टरी लोब्स। फिर आगे हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन का पता है ना, कनेक्ट करना है सिर्फ फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन में पोन्स, ओके पोन्स के बाद सेरेबलम। सेरेबलम ने का फंक्शन क्या है, सेरेबलम का फंक्शन है बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, ठीक है, जैसे स्ट्रेट हमने खड़ा होना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करेगा सेरेबलम। एंड मेडुला ओब्लोंगेटा इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करेगा, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, जो भी हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सब कुछ। ओके, सो इंट्रोडक्शन होगी ब्रेन के बारे में, इसके बारे में डिटेल में आगे एमसीक्यू में कवर करते हैं हम। फिर एक इजी सा क्वेश्चन, अब नर्वस सिस्टम में तो है लेकिन इसके लिए सेल कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल मीन्स पूरी जो स्ट्रक्चर बना रहा है, फंक्शनल मीन्स जो पूरा फंक्शन कर रहा है, कोई तो सेल कर रहे होंगे, तो उन सेल का नाम क्या है। ये ऑप्शन न्यूरॉन्स, बी नेफ्रॉन्स एंड सी नेफ्रेडिया। अगर स्टूडेंट्स आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बताऊंगा कि वो सही है। आंसर सुनने से पहले बता देना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना एंड फिर बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर है ए न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ब्रेन या नर्वस सिस्टम। तो कैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी, ये देख लो डायग्राम में। ओके, सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, डेंड्राइट करते हैं सेंस लेते हैं, जो भी ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, ये ब्रेन सेल का भी ब्रेन है। ओके, ब्रेन सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस, इट मींस न्यूरॉन का ब्रेन भी है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी ये हो गया, और सेल बॉडी को पूरी को बोलते हैं डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस मिला के, इसको बोलते हैं साइटन, SYTON, साइटन। साइटन क्या हो गया, न्यूक्लियस प्लस डेंड्राइट्स। ओके, या सेल बॉडी को बोल लो साइटन, ये सारा सेल बॉडी में आएगा। उसके बाद एक्सन, एक्सन जो लंबी वाली ऐसी लाइन, एक्सन। उसके बाद आ गया माइसिन शीथ, ये बनती है स्वान शेल से। ओके, एंड लास्ट में एक्सिल, एक्सन टर्मिनल या नर्व एंडिंग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ओके, आई थिंक काफ़ी इंट्रोडक्शन होगी इसके बारे में, सेल के बारे में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट फाइबर इसके ऊपर देखनी है, लॉन्गेस्ट फाइबर कौन सी है। शीथ, ये देखो शीथ यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन वो थी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म, ये वाला इसके अंदर जो, ये भी नहीं, सो ये भी नहीं। देन एक्सन, एक्सन देखो, अब एक्सन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे ही आ रहा है। ओके, सो ये क्या है, हमने पूछा था लॉन्गेस्ट फाइबर, तो इसका राइट आंसर आएगा सी एक्सन। एक्सन लॉन्गेस्ट फाइबर है न्यूरॉन के ऊपर। देर आर डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी ना स्पाइनल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्लियर है, ये तो याद रखना। लेकिन इसके अंदर कितनी सारी नर्व्स हैं, ओके, तो 30, 31 या 32, तो इसका राइट आंसर है 31 बी। ये देखो, इन ह्यूमन देर आर 31 स्पाइनल नर्व्स। कौन सी है, नेम 8 सर्वाइकल नर्व्स। अगर किसी को हेड को अपने मूव करने में, लेफ्ट एंड राइट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें बेल्ट भी लगाते हैं, ठीक है, नेक पे, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए सुबह उठ के रोटेट रोटेट किया करो, अपना हेड को रोटेट किया करो अच्छे से। ओके, किसी को प्रॉब्लम है चाहे ना ही हो, रोटेट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए अपना हेड। ओके, और चैटिंग ज़्यादा एक पोजीशन पे हेड करके नहीं करनी, मोस्टली चैटिंग करते हैं बच्चे, सो थोड़ी मूवमेंट चेंज करते रहो। ओके, सो 12 थोरासिक मूवमेंट्स, सॉरी थोरासिक नर्व्स, 5 लूम्बर, 5 सैक्रल एंड 1 क्रोकोजिल। और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कितनी कितनी कौन सी है, आपको सिर्फ याद करना है कि 31 है, सिलेबस में बस इतना ही है, क्लियर। और ये उसकी पूरी पूरी डिटेल में, ये जो नॉन मेडिकल करेंगे आगे डॉक्टर बनने के लिए, उनको इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। देन ब्रेन इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द हेड बाय, अब ब्रेन भी कनेक्ट हुआ है, लेफ्ट ब्रेन, सॉरी ये होगा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ओके,
और एक कनेक्ट इनको कौन कर रहा है, क्रैनियल नर्व्स। और कितनी क्रैनियल नर्व्स है, 12 क्रैनियल नर्व्स। ओके, सो रेस्ट ऑफ द बॉडी कनेक्टेड, आंसर मैंने बता दिया है क्रैनियल नर्व्स। कितनी है क्रैनियल नर्व्स, 12। अगर एग्जाम में आएगा तो आंसर भी देना 12। कहाँ है, और हमेशा पेयर्स हैं, ठीक है, पेयर मीन्स दो दो मिलेंगी, एक नहीं है। क्यों पेयर में, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन से कनेक्ट करना है, इसलिए पेयर चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे, एक सॉरी एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। ओके ओके, ओल्फैक्ट्री वाले हो गए, ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक हमारी आई साइड दिखाएगा, ओल्फैक्ट्री वाला स्मेल दिखाएगा, और काफ़ी सारे इसमें होंगे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखना 12 क्रैनियल नर्व्स हैं और ये हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। अगर ये इनके बीच ना वो होते हैं टिश्यू होते हैं ऐसे, अगर ये टिश्यू वीक हो जाएं तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमें समझ नहीं आएगा कि कब इसका, फिर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आपका नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सोचोगे कुछ देर, फिर टाइम लगाओगे, देन आंसर दोगे, मे बी एक मिनट के बाद आंसर दो आप कि रोहन सोहन मोहन जो भी आपका नाम है। ओके, नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। अब इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है हमारी बॉडी में, वो कौन कंट्रोल करता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, अगर याद होगा तो कमेंट कर देना, अगर नहीं याद तो अभी मैं आंसर बता देता हूँ। मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हाइंड ब्रेन और मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड। और आपको याद है कि मेडुला जो है, जब मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा, और ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है हमेशा हाइंड ब्रेन में। ओके, सो हाइंड ब्रेन यहाँ पे मिलेगा मेडुला ओब्लोंगाटा, और यही हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक स्नीजिंग, काफिंग, वॉमिटिंग एंड हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सारा कुछ यही कंट्रोल करेगा। ओके, व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या है, अच्छा बिगेस्ट पार्ट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेरेब्रम है। ओके, और सेरेब्रम पार्ट है फोर ब्रेन का। ओके, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, एफ ओ आर ई बी आर ए आई एन, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम। नेक्स्ट, अगर सेरेब्रम के बारे में पूछा जाओ कि कहाँ का पार्ट है, तो सेरेब्रम पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ओके, और ब्रेन स्टेम आपको मैं बता दूँ, ब्रेन स्टेम के बारे में बता दूँ, ब्रेन स्टेम मेडुला ओब्लोंगाटा को बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है, जो अभी डिस्कस किया था। द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम, अब हमारी बॉडी में सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड होता है और ये करता है हमारी बॉडी को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन किससे प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रिक शॉक, बी मैकेनिकल शॉक एंड सी डेंजर। ओके, तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल शॉक से। अब मैकेनिकल शॉक क्या है, फॉर एग्जांपल आप ब्रेन हो, आप रनिंग कर रहे हो या स्पोर्ट्स में, एग्जांपल सबसे ज़्यादा एग्जांपल अच्छी देता हूँ फुटबॉलर्स की। ओके, जो फुटबॉलर्स होते हैं, फुटबॉलर्स को क्या करना पड़ेगा, हेड मारते हैं, ठीक है, हेड से गोल करते हैं, अगर इतनी ज़्यादा इंटेंशनली वो हेड को स्ट्राइक करते हैं बॉल के साथ, तो उनका ब्रेन को क्या करता है, मैकेनिकल शॉक लगते हैं। सो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर होता है सेरेब्रोस्पिनल फ्लूड, और इसकी मैं लेयर्स भी आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर फोर लेयर्स होती है, 1 2 3 4, और इनके अंदर क्या होता है, फ्लूड होता है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। देखो, अब गैप है बिटवीन पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, मीन्स एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, और दोनों के बीच क्या है, एक गैप है, गैप ये वाला, ठीक है, जो मैंने अभी फिल किया, या ये वाला गैप, ये गैप है, और ये गैप को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंसर दिया भी हुआ है, साइनैप्स। ओके, साइनैप्स, और ये इसका डी आंसर है, साइनैप्स। क्लियर, तो ये दोनों का गैप होता है अंदर, दोनों के सेंटर में, और दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते हैं, कनेक्ट कौन करता है इनको, फिर यहाँ पे केमिकल्स होते हैं। ओके, और केमिकल्स हैं न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। ओके, बॉडी पोस्चर इज मेंटेन्ड बाय, ठीक है, बॉडी पोस्चर मैंने बताया था कि कौन मेंटेन करता है आपको, स्टार्टिंग में बताए थे जब इंट्रोडक्शन बताई थी, तो इसका राइट आंसर ए सेरेब्रम,
जो सेरेबलम है वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है हमारी बॉडी की। बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है, कहीं ऐसे खड़े होते हैं सो वो सही नहीं है। ओके, ऐसे बिल्कुल खड़े नहीं होना है, स्टैंड लाइक दिस। ओके, तो सेरेबलम करेगा हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन। ओके, तो फिर सेरेब्रम क्या करेगा? सेरेब्रम हमारे वॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, ठीक है, थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, वो सारी चीज़ करता है सेरेब्रम। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क पर है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। पता नहीं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, नहीं पता तो आगे स्लाइड्स में आएंगी, मैं वहाँ पे क्लियर बताऊँगा। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, अब ब्रेन का तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, उसके अंदर सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड था, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूड। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ब्रेन ही है समझो, ठीक है, ब्रेन का ही पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमारी बैकबोन, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो बैकबोन करेंगे। और बैकबोन के अंदर काफ़ी सारी बोन्स होती हैं, सर्वाइकल बोन्स, थोरासिक बोन्स, लुम्बर बोन्स, सैक्रम एंड कोक्लैक्स, ये सारी बोन्स होती हैं। लेकिन इनको बोलते क्या हैं? इनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ओके, या वर्टिब्री भी इसको बोलते हैं, वर्टिब्री, वर्टिब्री या वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, देन नेक्स्ट डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट मीन्स जिसको डायबिटीज, डायबिटीज़ हुई है मीन्स शुगर हुई है, सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, उसके अंदर कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कौन सा हार्मोन उसके अंदर नहीं होता है? ए ऑप्शन थायरोक्सिन, बी एड्रेनालाइन एंड सी एस्ट्रोजन एंड डी इंसुलिन। तो आपको पता है कि जो भी कोई शुगर पेशेंट होता है उसको कौन से इंजेक्शन हम देते हैं? इंसुलिन के, बिकॉज उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो राइट आंसर इज़ डी, इंसुलिन। और इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कौन करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। एस्ट्रोजन कौन करता है प्रोड्यूस? सारे बता देता हूँ, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं इन द ओवरीज, ओवरीज ऑफ द फीमेल। एड्रेनालिन ये होता है एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, ठीक, किडनी के ऊपर पेयर शेप होती है ऐसी, बताऊंगा आगे पिक्चर होगी। और थायरोक्सिन इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे नेक में। और थायराइड कईयों को डिजीज़ भी होता है, जिससे उनको कई बार फैट हो जाती है, काफ़ी आ जाती है, कई बार फैट बिल्कुल भी नहीं आती है। दोनों केस बताऊंगा कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स स्वेलोइंग, स्वेलिंग होता है निगलना कोई चीज़ खानी। ओके, कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींक मारना, वॉमिटिंग एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? तो मैंने आपको पहले बताया था सारे फंक्शन किसके हैं? हाइंड ब्रेन के, बी हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन ये वाला है। ओके, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ने कनेक्ट करना है इसको और इसको आपस में, और हाइंड ब्रेन मैंने आपको बता दिया है। ओके, ओके, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के हमने टाइप्स करने हैं। न्यूरॉन्स थ्री टाइप्स के हैं, पहले आपको बता दूं मैं, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सॉरी, थ्री टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। कौन से? पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड रिले न्यूरॉन, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड रिले न्यूरॉन एंड थर्ड मोटर न्यूरॉन। ओके, अब कैसे हुआ ये रिफ्लेक्स आर्क है और मैं यहाँ पे पूरी रिफ्लेक्स आर्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर थोड़ी बड़ी है। ओके, ओके, सो फर्स्ट होता क्या है, मान लो आप किसी हॉट फ्राई पैन को टच किया है, ठीक है, हॉट फ्राई पैन को आपने टच किया है मान लो, तो क्या होगा? मान लो हाथ आपने लगाया तो अभी आपको क्या लगेगा? सेंसेशन ऑफ हीट होगी, ठीक है, ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा आपको काफ़ी। तो अभी क्या होगा, फिर सिग्नल जाएंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट करेंगे एंड सिग्नल आपके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। ओके, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, उसको क्या करेगी, रिले न्यूरॉन उसको डिटेक्ट करेंगे कि अब एक्शन क्या लेना है। ब्रेन के पास नहीं जाएगी, ठीक है, मैसेज टू ब्रेन नहीं जाएगा।
अगर जाएगा भी कुछ देर बाद जाएगा, तो इसलिए ब्रेन का इसका कोई रोल नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। जो भी रोल होता है सारा किसका होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन के पास क्यों नहीं जाती? अगर ब्रेन के पास जाएगी तो ब्रेन थोड़ा टाइम लगाएगा उसको एक्शन को करने में, मीन्स वो पहले समझेगा कि क्या हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपने हाथ लगा दिए गर्म और सिग्नल चल गया ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास ऐसे आ रहे हैं, तब तक आपका हाथ जल जाएगा। ओके, एट द दैट टाइम योर हैंड विल बी बर्न्ड। सो दैट्स वाई इसका जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जो भी रिफ्लेक्स आर की, कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे इसने सेंस किया स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन है, उसने इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिए कि अपना हाथ यहाँ से साइड कर लो, और उसी टाइम हम एक सेकंड के पहले ही हाथ अपना साइड कर लेंगे। ऐसे ही होता है ना, अगर नहीं तो टाइम करके देख लेना, जैसे जर्किंग ऑफ नी, ठीक है, वहाँ पर दर्द होता है तो वो भी ऐसे हो गया। फिर कोई आपको पिंच करता है तो भी हम उसी टाइम रिफ्लेक्स एक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्सेस। अब इनमें से कौन सा मैनी रिफ्लेक्सेस का सेंटर है, मींस जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वही है। ए ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सी पोन्स। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता ही है, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया था लास्ट स्लाइड में, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करेगा, सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। ओके, सेंटर है उसका, वही सेम एग्जांपल जो अभी आपने मैंने एक्सप्लेन की थी। आपको गर्म फील होगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स तक, और स्पाइनल कॉर्ड मोटो न्यूरॉन को वो एक्टिवेट करेगी, अपना हाथ साइड पे कर लो। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है, सेल बॉडी ऑफ ए नर्व सेल इज कॉल्ड। आंसर मैंने पहले बता दिया था कि सेल बॉडी में क्या आएगा, न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स दोनों आएंगे, और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो भी आएगा, और इसको बोलते हैं साइटोन। ओके, साइटोन बी। सेल्स और न्यूरॉन्स विच आर कैपेबल ऑफ परसीविंग स्टिमुलाई। ठीक है, वो वाली सेल्स या न्यूरॉन्स जो स्टिमुलाई को क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं उनको परसीव करने में। स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी। मान लो आपने कुछ ज़्यादा खा लिया तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा हमने ज़्यादा खा लिया है, एसिड रिलीज करो स्टमक के अंदर। ओके, दैट इज स्टिमुलाई, वो जो भी चेंज आएगा। अगर बाहर कोई ज़्यादा गर्मी हो रही है तो या ठंड हो रही है तो उसको हमें स्वेट आना आएगा, पसीना स्टार्ट आना, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी क्या है, हमारी जो स्टिमुलाई है वो रिसीव हो रही है हमारी बॉडी। तो कौन करेगा ये? सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सारे ये चीज़ कंट्रोल करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो सिग्नल कैसे जाते हैं, सिग्नल स्टार्ट होते हैं डेंड्राइट से, डेंड्राइट्स के बाद आते हैं एक्सॉन पे या सेल बॉडी पे, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल या एंड पे। ठीक है, ऐसे सिग्नल जाते हैं इस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारे ब्रेन के अंदर? तो इसका राइट आंसर है ए, हाइपोथैलेमस, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया था। ओके, और मेडुला क्या करता है? अनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, बट ये हाइपोथैलेमस है जो क्या करेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा एंड हमारे हॉर्मोन्स रिलीज करने भी हेल्प करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि ऐसा करो। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा पार्ट है जो क्या करता है रेगुलेशन में, मीन्स पार्टिसिपेट करता है, मीन्स रेगुलेशन कंट्रोल करेगा? ए ऑप्शन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, बी पोन्स, सी सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो अभी मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। ओके, ये सारा कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट, सारा कंट्रोल यही करेगा, मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करेगा हमारे मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। नेक्स्ट, फ्लूड प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स ऑफ मेनिंजीज इज कॉल्ड। ठीक है, लेयर ऑफ मेनिंजीज ये वाली लेयर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड। और सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड का मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। ओके,
द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन इज टू, अब मिड ब्रेन का बोला है फंक्शन क्या है, कितनी बार मैंने बता दिया है इसका कमेंट कर देना नीचे कि फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का, ओके सो कमेंट करके बता देना। सो अभी मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। सो ए कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद सेरेब्रम एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। सो जो फोर ब्रेन है ठीक है, इस ए वाले पार्ट को ये कनेक्ट करेगा विद पोन्स इसके साथ एंड विद सेरेब्रम, सेरेब्रम के साथ कनेक्ट करेगा ओके। और जो ब्रेन स्टेम है इसको भी क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगा बोलते हैं, क्लियर ओके। देन स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स मैंने आपको बताया भी था कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है मेडुला ओब्लोंगा से ठीक है, या इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, मेडुला ओब्लोंगा या ब्रेन स्टेम। और मैं आपको इसकी पिक्चर फिर बता देता हूँ, पीछे वाली स्लाइड में थी ये देखो ठीक है, ब्रेन स्टेम यहाँ वाला ग्रीन वाला पार्ट ठीक है, इससे कनेक्ट करता है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का आपको पता है प्रोटेक्ट कौन करेगा इसको, वर्टिब्रेट कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट ए मैसेज फ्रॉम ए नर्व सेल अक्रॉस अ साइनेप्स टू टारगेट ए सेल। तो एक केमिकल मैसेंजर है, कौन से केमिकल मैसेंजर है जो ट्रांसमिट करेंगे मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व तक थ्रू साइनेप्स। सो साइनेप्स से करेंगे मीन्स ये सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करना है, लेकिन करेगा कौन, तो ये करते हैं आपको जूम करके बताता हूँ मैं, देखो अब आंसर आपको दिख गया होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल्स। सो न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल्स हैं जो ऐसा करेंगे ओके। अभी फिर आ जाते हैं बैक पोजिशन पे, ओके तो इसका ए आंसर है न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है ओके, इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, मीन्स बाकी सारे फोर ब्रेन होंगे एक नहीं होगा। ए ऑप्शन सेरेब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस फिर फोर ब्रेन के पार्ट है, ओल्फैक्टरी लोब्स भी फोर ब्रेन, और जो डी है सेरेब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का ओके। ये देखो हाइंड ब्रेन में और ये सेरेब्रम नीचे, क्लियर ओके। अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था एड्रेनल ग्लैंड के बारे में ओके, ये किडनी के ऊपर होता है, और ये है हमारी किडनी, ये वाली दिख रही है किडनी है, और किडनी के ऊपर ये हमारा ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, ये देखो इस पिक्चर में भी ठीक है, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है हमारी बॉडी में, अलॉटनेट्स प्रोड्यूस करता है, अलॉटनेस ओके। अब अलॉटनेस कैसी अलॉटनेस, फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो जब साइकिल चला रहे हो, आपके सामने क्या आ गया, स्नेक आ गया ओके। अब जो एड्रेनल ग्लैंड है ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा और हमें बताएगा कि आगे खतरा है, आगे क्या है डेंजर खतरा है, तो हमें रोकेगा आगे बढ़ने से, जहाँ हमें बोलेगा कि साइड हो जाओ आगे स्नेक है ओके। ये फंक्शन है एड्रेनल ग्लैंड का, अलर्टनेस प्रोड्यूस करना। ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लो, आप रोड पर जा रहे हो, आगे से फास्ट स्पीड में कार आ गई, तो आपको साइड तो होना पड़ेगा, मरना थोड़ी है ओके तो ये भी कौन काम करेगा, एड्रेनल ग्लैंड। सो ऐसे सारे फंक्शन जो अलर्टनेस के हैं वो कंट्रोल करता है एड्रेनल ग्लैंड, और इनको कौन कनेक्ट करके रखता है, इनको फंक्शन ये नहीं कि सारे ब्रेन से मिलेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड से फंक्शन मिल रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड पे जितनी भी 31 जो क्रैनियल नर्व्स थी उन सारे के 1, 2, 3, 4, 5, 31 तक कोई ना कोई फंक्शन है, ऐसे फ्री में नहीं लगी हैं ठीक है, फालतू में वो कवर नहीं किया है, उनका कोई ना कोई फंक्शन है, कोई हैंड को कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारी हार्ट बीट को, कोई किडनी को, कोई लंग्स को ठीक है, कोई हमारे स्टमक को, पैनक्रियाज को, लीवर, बाइल, गोल ब्लैडर, सबको कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, क्लियर। सो द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स, ये नहीं कि खुद ही चल रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके। सो द एक्टिविटीज इन द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, स्टमक एट्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय, सो सारी जो एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नो, इसका राइट आंसर है सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक ही मैंने एमसीक्यू इसका ऐड किया है। ये सारी चीज़ कंट्रोल करने का कौन करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये पूरा एक्सप्लेन मैंने प्रोसेस आपको कर दिया था, ओके, कि कैसे अंदर करेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊँ फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ ब्लैंक पेज है, मान लो बात करते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ स्टमक, ठीक है, स्टमक, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। स्टमक में अब मान लो ये हमारा स्टमक है, सॉरी, ओके, सो स्टमक हमारा होता है जे शेप का, आपको पता ही है, ठीक है, अच्छे से थोड़ा बन रहा है। इसके अंदर अब क्या होगा? HCl होगा। और अगर मान लो कम है खाना, इतना बस खाना है इसके अंदर, तो HCl क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ओके, अब हमने ज़्यादा खाया, फूड आ गया, फिल हो गया, अब सिग्नल जाएंगे हमारे ब्रेन को या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कि क्या करो, इसको ज़्यादा फिल करो। सो इसमें क्या होगा, जो HCl की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, सो ये फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है। ऐसे इंसुलिन का करता है, इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हम जो पैनक्रियाज क्या रिलीज़ करेंगे, वो ग्लूकोज रिलीज़ करेंगे। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये पैनक्रियाज क्या रिलीज़ करेंगे, इंसुलिन रिलीज़ करेंगे। ओके, तो ये कौन सारा कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। किसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं? कौन से वाले ग्लैंड को? ए हाइपोथैलेमस, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल, इसका काम क्या है? कंट्रोल करना हमारी बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका राइट आंसर यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये सारी बॉडी के जितने भी सारे पार्ट्स हैं उसके जो हॉर्मोन्स हैं यही रिलीज करता है। ओके, और अगर मान लो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही या ग्रोथ हो रही है तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ग्रोथ भी हमारी कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ग्रोथ से जो हॉर्मोन्स है वो भी रिलीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो साइज इसका कैसा है? पी शेप का है एंड फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, बेस पे होता है, और पी शेप मटर के दाने की जितनी शेप होती है इसकी, बस इतना छोटा होता है, लेकिन फंक्शन मास्टर है। सो साइज पे किसी के मत जाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन CNS, तो इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो इजी है क्वेश्चन उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो टफ है उनको ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों, सो इसका राइट आंसर हो गया CNB। ओके, मीन सी, बोथ ए एंड बी। द ब्रेन इज फाउंड इन साइड द स्कल इज कॉल्ड। अब हमारा ब्रेन क्या है? स्कल के अंदर होता है, और स्कल के अंदर खोपड़ी इसको बोलते हैं। तो खोपड़ी के अंदर जो होता है उसको खोपड़ी को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ए क्रैनियम। ओके, क्रैनियम। और बकल कैविटी क्या होती है? हमारे माउथ वाली। और यूरेनियम आपको पता ही है, वो एक केमिकल है, यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर पावर के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर के लिए, एटॉमिक एनर्जी। और सारी हमारी बोन्स होती हैं फ्रंटल लोब की, पेरेंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब, और ये 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं, क्लियर। ग्लैंड्स विच रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, वो वाले ग्लैंड जो सारा के सारे हमारे जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं, मीन्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। मीन्स ये दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन। लेकिन जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मीन्स ब्लड के अंदर हमारे सीधा रिलीज कर देंगे अपने हॉर्मोन्स, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल आ गई एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर टेस्टिस एंड ओवरी। ये सारी एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। लेकिन एक्सोक्राइन मीन्स पहले फंक्शन समझ लो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में बिना किसी पाइप से, डक्ट होती है पाइप, ओके, सो डक्टलेस मीन्स इसके अंदर कोई भी पाइप नहीं होगी, कोई भी ट्यूब्स नहीं होंगी जिससे ये आगे रिलीज करेंगे। ओके, जहाँ पे होंगे वहाँ पर रिलीज कर देंगे। तो ये सारा कौन काम कौन करेगा? ठीक, कौन कौन किसका है? एंडोक्राइन ग्लैंड का। एग्जाम्पल पता चलेगी सारी, ये सारे की सारी ही एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब
ठीक है, ये मेल वाली साइड है, ये फीमेल वाली साइड है, इसलिए ओवरी आई और यहाँ पे टेस्टिस आए। ओके, अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी एग्जांपल, तो इनकी एग्जांपल बता देता हूँ। एक सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं फाइव, ठीक है, माउथ के लेफ्ट साइड ऊपर नीचे ऐसे करके, टंग के नीचे फाइव होते हैं। और दूसरा स्वेटरी ग्लैंड, जस्ट स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट कहाँ से निकलता है? पाइप के थ्रू, हमारी जो स्किन पे होल्स हैं वहाँ से बाहर आ जाता है। ओके, सो ये होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो कम है। सो क्या है नाम उनके? एक तो स्वेट ग्लैंड, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवर होता है मतलब थूक होता है जो, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड। और एक ग्लैंड होता है जो दोनों काम करता है, जो बोथ हैं, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, और उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। आगे स्लाइड में आएगा तो वो, तब क्वेश्चन बता देना इसका आंसर कमेंट में, और मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में थोड़ा। नेम द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो, जब हम मार्केट से बनाना लाते हैं ना, बनाना, मैंगो, एक्सेट्रा, पपाया, ये तीन मोस्टली जो खाते हैं हम, तो वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं लेके आते? हमें तो चाहिए येलो, जो ट्रक्स में आता है, अगर ऐसा आए तो हमें सीधा वो मिलेगा, फिर बनाना शेक ही मिलेगा। ओके, तो घरों में सभी बनाना शेक ही सबको मिलेगा, तो बनाना शेक नहीं हमें चाहिए, हमें बनाना चाहिए, ठीक है, हमें बनाना खाना है। और इसकी सब्जी भी बनती है, आपको पता ही है, साउथ में ज़्यादा बनती है थोड़ी। ओके, ग्रीन होंगे तो ट्रांसपोर्ट करने ईजी हैं, बिल्कुल भी वो जितना लोड होगा उससे प्रेस नहीं होंगे, तो हमें ठीक मिलेगी। लेकिन जब फैक्ट्रीज में आ जाता है, आपकी जो सिटी है, मान लो कि आप वो अमृतसर से, ठीक है, तो अमृतसर की जो मंडी होगी वहाँ पे आ जाएंगे, और वहाँ पे ऐसे आएंगे, और वहाँ पे फिर स्टोर्स होंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक गैस होती है, और गैस का नाम है इथाइलीन, इथाइलीन गैस होती है, इथाइलीन गैस और नाइट्रोजन मिक्स दोनों करते हैं, और ये क्या करती हैं, इनफ्लेमेबल गैस है, मीन्स अगर आग लग जाए तो काफ़ी ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये गैस रिलीज कर देते हैं उसके अंदर, स्टोर रूम के अंदर, और फिर क्या करते हैं, फिर ऐसा बनाना कर देते हैं। और जब ऐसा हो गया बनाना, तो ये फिर मार्केट में आता है, लोकल मार्केट में, और फिर ऐसे भी कुछ हमें मिलते हैं, कुछ ही ऐसे भी मिलते हैं, और कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो वो सस्ते रेट पे, लो प्राइस पे हमें वो भी मिल सकते हैं मार्केट से। क्लियर? सो इसका राइट आंसर था गैस, आर्टिफिशियल राइपनिंग कोज यूज करते हैं इथाइलिन। ये बनाना की मैंने एग्जाम्पल ली है, सेम एग्जाम्पल आएगी फॉर पपाया, फॉर मैंगो, एट्सेट्रा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों ग्लैंड यूज होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर आपको मैंने पहले बता दिया था, ये पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज होता कहाँ? पैनक्रियाज स्टमक के बिल्कुल पीछे, बैक साइड पे होता है स्टमक के, ठीक है, हमें फ्रंट से अगर हम पेट अपना स्टमक काट भी लें, ठीक है, तब भी हमें स्टमक नहीं दिखेगा, ठीक है, हमें ऊपर स्किन अगर उतार दें तब भी हमें पैनक्रियाज नहीं दिखेंगे, बिकॉज ये बैक साइड पे है उसकी, स्टमक की। ये लीवर है, ये बाइल वाली बाइल डक्ट्स हैं, ये गोल ब्लैडर, और ये पैनक्रियाज, ये वाला थोड़ा मैं इस पे ही करता हूँ, ये है पैनक्रियाज, ठीक है, पेयर शेप का पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज के अंदर क्या है? डक्टे। ओके, सो डक्ट जो है, सो डक्ट है मीन्स पाइप है, तो इट मीन्स इट इज़ ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, तो डिक्ट दिख रही ग्रीन की, और डक्ट्स नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया फिर? ये एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, और डक्ट से क्या करेगा? ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने, और रिलीज करेगा हॉर्मोन्स जिससे हमारी डाइजेशन अच्छी होगी, जैसे फैट्स होगी या प्रोटीन होगा, वो डाइजेस्ट होगा, कन्वर्ट होगा, आपको पता ही है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ओके, और जो दूसरा फंक्शन इसका क्या है? दूसरा इसका फंक्शन है इंसुलिन बनाना एंड ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज एंड इंसुलिन का लेवल मेंटेन करना, और वो सीधा ब्लड में हमारे करता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, यहाँ पे ये रीड कर लो, द पैनक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शंस, एंड एक्सोक्राइन फंक्शन मीन्स डक्ट वाला फंक्शन इज हेल्प्स इन डाइजेशन, ये जो आ रही है, और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन रेगुलेट द ब्लड शुगर। सो ब्लड शुगर कैसे रेगुलेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज। क्लियर? वेरी गुड। द पॉइंट वेयर ए मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए मोटर न्यूरोन,
कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो अब बताया ही वो वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट जब क्या होगा, मसल फाइबर कॉन्टैक्ट में आएगी मोटर न्यूरोन के कैरिंग इम्पल्स, जो इम्पल्स कैरी कर रहा है वन न्यूरोन टू मसल। अगर तो वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन आए तब तो स्नैप से, बट अब पूछा है कि वन न्यूरोन टू अनदर मसल, बॉडी के मसल तक भी तो चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो करते हैं ए ऑप्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये पॉइंट को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ए आप में, ठीक है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, ठीक है डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन के इंजेक्शन लो आप बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर हाई है, नहीं ब्लड प्रेशर का कोई रिलेटेड नहीं है, हार्ट बीट ज़्यादा है नो, ब्लड शुगर वॉज हाई यस, ब्लड शुगर प्राय पेशेंट की हाई है इसलिए उसको बोला गया है कि अब इंसुलिन ले लो बिकॉज इंसुलिन क्या करेगी शुगर को या ग्लूकोज को डाउन करेगी। क्लियर, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन, आयोडीन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आयोडीन नहीं हम लेंगे तो हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको बोलते हैं गोइटर डिजीज़, और गोइटर से क्या होती है हमारी जो नेक पे ना स्वेलिंग हो जाती है, नेक पे इतना बड़ा हो जाता है ठीक है फ्रंट से, गोइटर हो जाता है आयोडीन से कमी से। सो ये कहाँ पे होता है, क्यों होता है, बिकॉज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है ओके, सो थायराइड ग्लैंड, सो आयोडीन हमें कौन सा हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करेगा, इसका राइट आंसर एड्रेनल ग्लैंड नो, ऑक्सिन नो, ऑक्सिन तो प्लांट हार्मोन है राइट, सी थायरोक्सिन राइट, सो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट, अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है थायरोक्सिन के रिलेटेड, ए ऑप्शन थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, यस अभी तो हमने यही किया था सो बिल्कुल सही है, थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हॉर्मोन, डेफिनेटली यस बिकॉज थायराइड इसको रिलीज करेगा, सी इट रेगुलेट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यस ये हमारी बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को मेटाबॉलिज्म करती है, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, अगर नहीं होगी तो कमियाँ हो गई हमारी बॉडी में फैट अकमुलेट हो जाएगी काफ़ी सारी फैट, और जिसको फैट हो जाएगी उसको बोलेंगे उसको क्या डिजीज़ हो गया है, थायराइड डिजीज़ है ओके, मोस्टली फीमेल्स को होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, जब उनकी मैरिज होती है प्रेगनेंसी के बाद थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है इनको, कुछ स्टूडेंट्स की होती है लेकिन रेयरली है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से वॉक करो, अपने सेहत का ध्यान रखो, डी ऑप्शन डेफिनेटली यही फिर इनकरेक्ट होगा, सो आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन, तो आयरन ही चाहिए हमें चाहिए आयोडीन चाहिए ठीक है सिंथेसाइज करने के लिए, आयरन भी हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड बोल लो हीमोग्लोबिन के लिए हमें आयरन चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और आयरन ये नहीं कि आयरन के अब रोड्स खा लो, लेकिन आयरन होती है काफ़ी चीज़ों में मिलता है, जैसे ग्रीन लीव्स में स्पिनिच में वहाँ पे काफ़ी हमें आयरन मिल जाएगा ओके, जहाँ बोलते हो आप ब्लैक ग्राम भी आप खाओगे तो उससे भी आपको काफ़ी आयरन मिल जाएगा, ब्लैक ग्राम इसका सूप बना लो ठीक है, काले चने इसको बोलते हैं ब्लैक चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन ऑफ विच हॉर्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंज इन द बॉडी व्हेन यू आर 12 to 12 ईयर ऑफ एज, देखो 10 की 12 साल ये गर्ल्स की एज बताइए ठीक है, 10 से 12 साल मेल्स में 13 to 15, जब 10 to 12 इन गर्ल्स एंड 13 to 12 15 इन मेल्स या बॉयज़, तो कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी फिजिकल चेंज में, फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था मेरी आवाज़ काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी थी, पतली थी काफ़ी, पतली मीन्स थिन थी काफ़ी आवाज़ ठीक है, अभी हैवी है, पहले लाइट थी तीखी थी काफ़ी ओके, तो कौन सा हॉर्मोन ये चेंजेस ले रहा है फिजिकल चेंजेस वगैरह, ए एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, सो एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन तो रिलीज करता है ओवरीज, तो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग दिया हुआ है, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड बिल्कुल नहीं, सी टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस
एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी. सो ये सी इसका राइट आंसर है. टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करेगा? टेस्टिस. एंड एस्ट्रोजन रिलीज करेगा ओवरी. और ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? चेंजेस लेके आएगा एट द एज ऑफ 10-12 इन फीमेल्स एंड 13-15 इन मेल्स. कौन से चेंजेस होते हैं अभी डिस्कस करते हैं. चेंजेस मेल्स में पहले देखते हैं, ठीक है, पहले मेल्स में फिर फीमेल्स में. पहले मेल्स फिर इधर फीमेल्स. सो फीमेल्स में चेंजेस क्या आते हैं कि इनकी वॉइस हैवी हो जाती है. वॉइस हैवी, इनकी वॉइस क्या होगी? सेम ही रहेगी जहाँ वैसी रहेगी, ठीक है, सेम. फिर हमारे जो मेल्स के शोल्डर क्या होते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रॉड शोल्डर. और इनके क्या होते हैं? इनकी ब्रेस्ट इलार्जमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट इलार्जमेंट और हिप्स, हिप्स ग्रो करेंगे हमारे. फिर हो गए हेयर्स आएंगे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा, प्यूबिक हेयर आएंगे और ठीक है, प्यूबिक हेयर एज वेल एज मुस्टैच एंड ब्रीड, ये सभी आएंगे. और फीमेल्स के प्यूबिक हेयर बस, ठीक है, बाकी ज़्यादा हेयर फॉर्मेशन नहीं होती. और जो चेंजेस, हाँ, जो हमारा सीमेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सीमेन बनना स्टार्ट हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल्स में एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, ये सारे चेंज आएंगे. विच प्लांट हॉर्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंस मीन्स कि जैसे ये ग्रो करना था, ठीक है, सीड से ग्रो करना था, जो ग्रो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जब जल्दी नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा. फॉर एग्जांपल, हमें चाहिए कि ये वीक में 7 डेज में इतना ग्रो कर जाए, 7 डेज, बट ये लगाएगा 1 मंथ. ओके, तो ये होती है डोरमेंसी. तो ये कौन सा करता है, डोरमेंसी को कौन रिलीव करता है, मीन्स ज़्यादा प्रमोट करता है? ये ऑक्सिन. जो मैं अभी आपको बता देता हूँ सभी का फंक्शन. ऑक्सिन हॉर्मोन क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प, एंड सेल इलोंगेशन, सेल को लंबा करेगा, सेल इलोंगेशन. जिबरलिन, जिबरलिन हॉर्मोन क्या करेगा? जर्मिनेशन ऑफ फीड में हेल्प करेगा, मीन्स वो हेल्प करेगा कि ऐसा ग्रो कर जाए. सो ये क्या करेगा? हेल्प होगा जर्मिनेशन में. देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को बोलते हैं, ये ग्रोथ सेल होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करता है जल्दी जल्दी. सो ये तीनों ही हेल्पफुल हैं इसके लिए. बट पूछा है प्रमोट सेल हॉर्मोन, प्लांट डोरमेंसी, सी डोरमेंसी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अब्सिसिक एसिड. अब्सिसिक एसिड ग्रो नहीं करने देगा इसको. ओके, और इसको इसलिए बोलते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन, स्ट्रेस हॉर्मोन. स्ट्रेस हॉर्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर मान लो, तो एग्जाम्पल, चलो इसको मैं आगे वाले एमसीक्यू में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, फिर वहाँ पे भी एमसीक्यू, फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा. ओके, तो इसका आंसर पता चल गया डी, अब्सिसिक एसिड. अब नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश हॉर्मोन्स इन चाइल्डहुड लीड्स टू डिफार्मिज्म इन ह्यूमंस. डिफार्मिज्म क्या होती है? ग्रोथ रिटार्डेशन, में छोटा रह जाएगा, बोनस इसको बोलते हैं. ओके, छोटा रह जाएगा. तो कौन से हॉर्मोन्स की होती है? ये होता है राइट आंसर ए, ग्रोथ हॉर्मोन. सो ग्रोथ हॉर्मोन अगर कम होगा, और ग्रोथ हॉर्मोन सीक्रेट कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसा जो भी नाम है इसका, ठीक है. तो ये सीक्रेट करेगा, और अगर ये नहीं होगा सीक्रेट, तो हम छोटे रह जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डजंट एग्जिस्ट इन पेयर्स? इसमें कौन सा ग्लैंड पेयर में नहीं होता है? पेयर मीन्स दो दो क्यों नहीं होते? पहले टेस्टिस पेयर में होता है, ये देखो 1 एंड 2. एड्रेनल ग्लैंड 1 एंड 2, दोनों किडनीज के ऊपर. पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल होता है, ओके, ब्रेन के अंदर. तो इसका राइट आंसर था सी, पिट्यूटरी. और ओवरी देख लो, ये भी दो होती है. और ओवरी का मैं आपको एक बता दूं कि 1 मंथ में ये एग इस साइड आएगा और 2nd मंथ में ये वाला. ये नहीं होता कि जैसे मर्जी चलने हो, फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है, फर्स्ट ये, 2nd मंथ ये, 3rd मंथ ये, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ओके, सारा साल चलते रहता है आफ्टर 26 to 28 डेज, इतना गैप होता है. ओके, नेक्स्ट, विच ग्लैंड सीक्रेट्स द ग्रोथ हॉर्मोन? कौन सा अब
ग्लैंड है जो ग्रोथ हॉर्मोन्स क्रिएट करता है, मैंने आपको बता भी दिया था। तो इसका कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर ये ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉज बाय। अब जो हमारे जो विल्टिंग लीव्स है, विल्टिंग लीव्स मीन्स ऐसे ड्राई हो जाना लीव्स का, ऐसे फ्रूट्स भी ड्राई हो जाते हैं कई बार और गिर जाते हैं, बिना ही कच्चे गिर जाते हैं, ठीक है, अनराइपनड ही, तो वो कौन करता है? तो इसका देखो, अब सिंपल सा बताता हूँ, जो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिबरलिन है, ठीक है, थर्ड इथाइलिन की बात नहीं करते हैं, तीनों जो है ना वो पॉजिटिव हार्मोन है, उनको बोलते हैं पॉजिटिव हार्मोन, जो अच्छा करते हैं, ठीक है, ग्रोथ कराते हैं प्लांट्स की। बट जो ऑब्सेसिव हार्मोन है ना, ये हमेशा उल्टा करता है, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव हार्मोन। क्यों नेगेटिव हार्मोन बोलते हैं? अभी यहाँ पे क्या करेगा ये, विल्टिंग, विल्टिंग क्या होती है, ऐसे ड्राई कर देगा लीव्स को, ओके, एजिंग करवाता है, एजिंग में से जल्दी बूढ़ा करवा देता है। सो ये कौन करेगा सारा? ऑब्सेसिक एसिड, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? ये सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है, मीन्स सीड को ग्रो ही नहीं होने देगा। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है इसका डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स में इसका फायदा होता है। क्या इसका एडवांटेज है वहाँ पे? मान लो कि वहाँ पे काफ़ी वेदर है, ड्राई है और सनलाइट काफ़ी आ रही है, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को, जो आप लाइव प्रोसेस में बैठोगे, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या होगा, बाहर वाटर ही नहीं जाएगा प्लांट के, लीव के बाहर अगर वाटर नहीं जाएगा तो उसके पास काफ़ी पानी होगा अपने ही प्लांट के पास, तो उस वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन बाकी सारी जगह हेल्पफुल नहीं है, ओके। सो ड्रॉट जब सूखा पड़ेगा तो स्टोमेटा का क्लोज कर देगा ये, ओके, ये वाला नीचे वाला पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए तो। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, सो वो वाला प्लांट हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में, तो अभी मैंने बताया था इसके लिए कौन हेल्पफुल है। ऑक्सिन क्या करता है? इलोंगेशन करता है सेल की, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एंड सी जिबरलिन क्या करेगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्पफुल होगा, ओके, जिबरलिन। और क्या क्या है? और इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन भी हेल्पफुल होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिबरलिन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, अब इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, ओके, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन, मीन्स एक प्लांट हार्मोन है, बाकी सारे एनिमल हार्मोन है, मीन्स ह्यूमन वाले। एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, ओविस प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन दोनों मेल फीमेल में, ऑब्सेसिक एसिड ये है प्लांट हार्मोन, ओके, और टेस्टोस्टेरोन भी मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो राइट आंसर सी ऑब्सेसिक एसिड, जिसको बोलते हैं नेगेटिव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, और क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, एजिंग करवाएगा, डोरमेंसी करेगा सीड की, मीन्स उसको ग्रो नहीं करने देगा, काफ़ी कुछ आप जानते हैं। अब फंक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इज टू, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन मैंने बताया था क्या था, बार बार बता रहा हूँ, ए इलोंगेट द सेल्स, सो इलोंगेशन ऑफ सेल्स में हेल्प करेगा ऑक्सिन, ओके, कैसे करेगा ये देखो, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। मान लो यहाँ पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, आ ही रही है, मानना क्या है, तो क्या करेगा, सबसे पहले प्लांट शूट है इसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब सन रेज यहाँ से आई और इसकी बैक साइड, इस साइड नहीं ऑक्सिन हार्मोन बनेगा, इस साइड बनेगा, और इसको क्या करेगा, इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करने की वजह से यहाँ पे कर्व आएगा, और कर्व आने की वजह से इसकी ग्रोथ होगी, ओके, पहले छोटा था अभी बड़ा हो गया, रीजन ऑक्सिन। सो सेल क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं इसकी वजह से और बेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स सन, और टुवर्ड्स सन जो बेंड होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, आगे ये भी आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, फोटोट्रोपिज्म, क्लियर, वेरी गुड। द ग्रोथ और टर्निंग ऑफ प्लांट रूट्स, द ग्रोथ और टर्निंग ऑफ प्लांट रूट्स टवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर, मोटर से या मॉइस्चर के पास आना या दूर आना, उसको क्या बोलते हैं, ए थिग्मोट्रोपिज्म, अभी ये भी बताता हूँ, थिग्मोट्रोपिज्म होती है जब टच के रिलेटेड होती है, कोई चीज़ टच करो और वो चेंज आएगा, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, शुई मुई का प्लांट, जिसको बोलते हैं सेंसिटिव प्लांट, उसको टच करेंगे वो क्लोज कर लेता अपने लीव्स, आगे पिक्चर में दिखाऊंगा वो भी, ठीक है, वो करता है थीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म ये होता है अगर कोई केमिकल्स हों, ठीक है, कीमो केमिकल्स, तो उसकी मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। इसका राइट आंसर हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो मॉइस्चर भी क्या है, वाटर ही है। ये देखो ये प्लांट है, ये इस साइड ग्रो कर रहा है, इसकी रूट्स यहाँ पे आएंगे नीचे ऐसे, ओके, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म।
देन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू, अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ये वाली, ऐसी ग्रोथ हो रही है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? ए कीमोट्रोपिज्म, बी जियोट्रोपिज्म, या सी फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म लाइट की वजह से होती है, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की वजह से, एंड ए कीमोट्रोपिज्म होती होती है केमिकल्स की वजह से। तो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, इजी, सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट कौन करेगा? ब्रेन करेगा, ब्रेन ने सारा कुछ मेंटेन करना है। ओके, तो इसका आंसर डी, सॉरी, इसका आंसर सी, ब्रेन। द नर्वस सिस्टम यूजेस डैश इम्पल्सिस टू ट्रांसमिट मैसेज, अब मैसेज जो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, ऐसे सिनेप्स के थ्रू होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? केमिकल्स आगे होते हैं या इलेक्ट्रिकल? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल। क्यों इलेक्ट्रिकल होते हैं, केमिकल क्यों नहीं? केमिकल जो है ना काफ़ी स्लो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। ओके, बट जो केमिकल्स हैं, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये काफ़ी फास्ट होता है, अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो उसी टाइम हम रिएक्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पिंच हुआ किसी ने किया, चोट लगी, तो काफ़ी ईजिली हम चीज़ को रिएक्ट करेंगे, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मिसिंग टर्म, अब ये डायग्राम आ गई, आगे कुछ डायग्राम्स आएंगी क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकती है डायग्राम्स। ओके, देखो सबसे पहले स्टिमुलस मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट, रिसेप्टर सेंस न्यूरॉन ने की किया किया रिसेप्टर से उसको फील किया, देन यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, मोटर न्यूरॉन्स, और यहाँ पे इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, तो इसके अंदर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड है ये, या ब्रेन, क्रैनियल नर्व्स, या रिले नर्व्स, तो यहाँ पे डी आंसर, रिले नर्व्स, रिले नर्व्स। ओके, रिले नर्व्स सारा कंट्रोल करती है। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। ओके, हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट है जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम से जो इंट्रक्शन है, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच जो रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड क्या करेगा, सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर तो क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल सारे, इफेक्टर उसके ऊपर एक्शन लेगा, नर्व मसल तो आएगा नहीं, तो बी आंसर इफेक्टर। इफेक्टर क्या कहते हैं, हमारे रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं, जैसे अगर किसी को थप्पड़ मारना है तो वो इफेक्टर करेगा, अगर हाथ हटाना है गर्म चीज़ से वो भी इफेक्टर करेगा। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरोन फ्रॉम, ठीक है, कैसे अब ट्रेवल करता है ये, ए डेंड्राइट, सबसे पहले डेंड्राइट, यस डेंड्राइट, फिर आते हैं उसके बाद सेल बॉडी, सो डेंड्राइट एंड सेल बॉडी बिल्कुल सही है, फिर एक्सन आता है, और फिर एक्सन एंड, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा राइट आंसर है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर डिटेक्ट सेंस ऑफ टेस्ट, अब हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कौन से और क्या क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट के लिए कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, यही क्या करेगा, टेस्ट को सेंस करेगा, गस्टेटरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेगा, ये करेगा स्मेल, स्मेल को सेंस करेगा, और थर्मो रिसेप्टर जो है ये हीट को, मीन्स हीट एंड कोल्ड दोनों, टेम्परेचर को, तो इसका राइट आंसर सेंस ऑफ टेस्ट वो गस्टेटरी रिसेप्टर, वो कहाँ पे होगा, हमारे टंग पे, और ये टंग की पिक्चर ही है। ओके, नेक्स्ट, द स्टिमुलस इज द प्रोसेस ऑफ थिग्मो इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज, मीन्स कौन सा स्टिमुलस है, मीन्स कौन सा चेंज है थिग्मोट्रोपिज्म में, तो मैंने थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में बताया था, ये कौन सा रिएक्ट करता है, ये टच से रिएक्ट करता है, टच, तो इसका राइट आंसर है ए टच। मान लो ये सेंसिटिव प्लांट है, या टच मी नॉट प्लांट, और शुई मई, जो मर्जी बोल लो, अब इसको टच करेंगे मान लो यहाँ पे, ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसी शेप ले लेगा। ओके, कैसे लेगा, इसके अंदर जो केमिकल्स है ना वो करेंगे ये फंक्शन, और जो जितना भी इसके अंदर वाटर है, पहले ऐसे इसके अंदर वाटर होगा, और वाटर सारा चलेगा जाएगा यहाँ पे। ओके, और सारा यहाँ से वाटर अपना हटा लेंगे, इसकी वजह से श्रिंक कर जाएंगे, फिर जब थोड़ी देर बाद फिर वाटर रिलीज होना जैसे स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर, सो टच से ये सेंसिटिव होते हैं।
द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। देखो प्लांट की जो मूवमेंट हो रही है इन रिस्पॉन्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, मीन्स अर्थ कौन सी फोर्स लगाता है? ग्रेविटी। सो ग्रेविटी, सो ग्रेविटी से जो मूवमेंट हो रही है तो क्या होगी? वो हाइड्रोट्रोपिज्म होगी, वो तो वाटर से होगी। जियोट्रोपिज्म, यस, बिकॉज ये होती है ग्रेविटी से। और लास्ट कीमोट्रोपिज्म फॉर केमिकल्स। और ये दो चीज़ होती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, या जियोट्रोपिक मूवमेंट। देखो ग्रेविटी हमेशा रूट्स की साइड होगी, ठीक है, रूट्स अंदर अर्थ में ही ग्रो करेंगी, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट भी मूवमेंट होती है, मीन्स लोग ग्रो करते हैं प्लांट्स, ओके, ऊपर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, नीचे तो होगी ग्रेविटी, लेकिन ऊपर क्या आएगा फिर, इसको बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रोपिक मूवमेंट, या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और सभी में ऐसा ही होगा, कीमोट्रोपिज्म में भी, जियोट्रोपिज्म में भी, हाइड्रोट्रोपिज्म में भी, सभी में मोस्टली लेकिन होता है ग्रेविटी और थर्मोलाइट वाले में, फोटोट्रोपिज्म में। रूट्स आर, अब रूट्स पूछा है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। सो जियोट्रोपिक है रूट्स, तो ये कौन सी है? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। लेकिन अभी मान लो अगर सनलाइट है यहाँ पे, और अभी पूछा है कि ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है या नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है, तो ये आएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है, क्योंकि सनलाइट की तो अगेंस्ट ग्रो कर रही है, सनलाइट तो इस साइड है, ओके, तो ये फिर पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ये नेगेटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं समझ आएगा तो कमेंट्स कर देना। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, ओके। अब जो सनफ्लावर की मूवमेंट है, ये क्या करते हैं, जिस साइड सन होता है उस साइड अपनी अपना फेस कर लेते हैं, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ये क्या है, कीमोट्रोपिज्म है? नहीं, जियोट्रोपिज्म, नो, ये है फोटोट्रोपिज्म। जब फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, फोटो का मीन्स लाइट, तो जिस साइड लाइट है उस साइड ये चले जाएंगे, क्लियर, वेरी गुड। अब मैच दी फॉलोइंग, अब इनको मैच करना है, ठीक है, सारे मैंने पहले कर लिए थे, अब थोड़ा सा रिव्यू के लिए मैच दी कॉलम किए हैं। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड, इसको मैंने बोला था कि आपका इसको बोलो नेगेटिव हार्मोन, ओके, ये है नेगेटिव हार्मोन, एब्सिसिक एसिड इज ए नेगेटिव हार्मोन, तो इसको सेलुलर लोकेशन पॉजिटिव है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम पॉजिटिव, प्रमोट ऑफ सेल डिवीजन पॉजिटिव, सो नेगेटिव क्या आ गया, ये फोर्थ, ओके। उसके बाद ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में, सॉरी प्लांट्स में, इलोंगेशन, इलोंगेशन, सो सेल इलोंगेशन। देन साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, सेल डिवीजन, सो प्रमोट्स सेल डिवीजन, एंड जिबरलिन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये हेल्प करेगा आपको सीड के ग्रो करने में, ओके। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, ये है सेंस या दूसरे रिसेप्टर्स, मैंने रिसेप्टर एक ही कवर किया था और इसके चार एमसीक्यू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने मैच दी कॉलम में सारे कवर कर दिए, ठीक है, सभी आप बताता हूँ अभी आपको मैं। स्मेल, स्मेल कौन करेगा, सबसे पहले स्मेल ही था ना हमने किया, तो स्मेल का आपको पता है, सॉरी वो टेस्ट था, सो टेस्ट था सबसे पहले, बट अभी स्मेल करते हैं, सो स्मेल करते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओके, स्मेल कौन करेगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। उसके बाद साउंड, साउंड क्या करेगा दूसरे, ओके, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे एक तो आना था फोनो रिसेप्टर, ओके, तो यहाँ पे फोनो कर लेते हैं, यहाँ पे आना था फोनो रिसेप्टर, ओके, तो साउंड फोनो रिसेप्टर, स्मेल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, लाइट फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन्स लाइट, फोनो मीन्स साउंड। टेस्ट, टेस्ट कौन से करते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर, एंड टच करते हैं थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मीन्स क्या करेंगे, हीट, कोल्ड या जो भी है, ओके, सो सारे क्लियर हैं। और अगर कोई कमेंट में इसको सीधा सीधा लिखना चाहे तो लिख सकता है, कमेंट बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, और जो भी करेगा उसको सभी लाइक करेंगे, ओके, उसकी जो कमेंट को, और सीधा सीधा जिसने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में दे सकता है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।